पार्टी ने समाज से जुड़े हर व्यक्ति ने जिसकी जितनी क्षमता और सेवा की भावना थी उन्होंने अपनी क्षमता के हिसाब से काम किया। मैं ऐसी हजारों बहनों को जानता हूँ जिन्होंने अपने घर पे रह के उस दौरान रोटियां बनाकर जरूरतमंदों को किचन में जाके दिया, जरूरतमंदों को सेवा देने का काम किया। ऐसी दिल्ली के अंदर ऐसी तमाम हमारी बहनें हैं, माताएं हैं, जिन्होंने घर पे रह के जब मोदी जी ने कहा चीन से आने वाले सामान जिसमें फेस कवर भी था मिल नहीं रहा था, उस समय फेस कवर फेस मास्क बनाने का काम भी हमारी बहनों ने किया है। और ये भारत ही है कि जहां जब एक समय जब लॉकडाउन पीरियड चला था और कोरोना संकट आया था उस समय फेस मास्क की बड़ी कमी थी और महंगा मिलता था, और आज देखिए आज कहीं कोई कमी नहीं है, कहीं हमने बाहर से नहीं मंगाया। ये हमारी शक्ति है, हमारी जो सामूहिक शक्ति है उसका परिणाम है कि आज फेस कवर घर घर में एक एक व्यक्ति के पास 10-10 मिल जाए। और इस काम में सनातन धर्म सभा हो, मंदिरों की सभा हो, गुरुद्वारा सभा हो, आर्य समाज हो, जितने भी सामाजिक संगठन जो हमारे सामाजिक संगठन है, कोई भी सामाजिक संगठन बिरादरी संगठन, उन लोगों ने समाज की सेवा करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी भी इसीलिए आगे बढ़कर, क्योंकि हमारा सिद्धांत है पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी, जिन्होंने पार्टी की स्थापना की थी और तब उन्होंने कहा था कि हमारा जो उद्देश्य है राजनीति करने का, सत्ता में आने का जो उद्देश्य है वो है लोगों की सेवा करना, जरूरतमंदों की मदद करना, समाज में जो कमजोर हैं, पिछड़े हैं, जो समाज की मुख्य धारा में नहीं है उनको मदद देने का काम भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। और इसीलिए आपको ध्यान होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब संसद में शपथ लेने के लिए अंदर जा रहे थे तो संसद की डेहरी पर उन्होंने माथा टेका था और एक बात कही थी कि हमारी सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है, गरीबों के उत्थान के काम करने वाली सरकार है। क्योंकि सरकार का जो प्रमुख काम होता है कि इस देश की मुख्य धारा में उनको लाना जो अभी तक देश की मुख्य धारा में नहीं है, जो विकास की धारा में नहीं है, जो पीछे है, जो पिछड़े हैं, जिनको आगे लाने की जरूरत है। क्योंकि जब हम सबको आगे करेंगे, सबको मजबूती प्रदान करेंगे तभी ये देश मजबूत हो सकता है। और आज दिल्ली के लिए जब इस कोरोना संकट में हमारे प्रधानमंत्री जी ने आगे आकर जो दिल्ली के हालात कोरोना संकट में बन रहे थे, हमारे दिल्ली के मुख्यमंत्री प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बातें करते थे, हमें वो दिन भी ध्यान है जब उन्होंने अप्रैल के अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये कहा था कि दिल्ली वालों को डरने की जरूरत नहीं है, दिल्ली वालों को पैनिक होने की जरूरत नहीं है, 30,000 बेड की व्यवस्था करेंगे। लेकिन 2 महीने बीत जाने के बाद भी उन्होंने वो बेड की व्यवस्था नहीं कर पाई।